श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। एकादश अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया था कि अर्जुन, मेरा ये स्वरूप जिसे तूने देखा तेरे सिवाय न पहले कभी देखा गया है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। मैं न तप से, न यज्ञ से और न दान से ही देखे जाने को सुलभ हूं, किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात मेरे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं श्रद्धा बिखेरने न पाए। निरंतर तैल धारावत मेरे चिंतन के द्वारा ठीक इसी प्रकार जैसा तूने देखा, मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। अतः अर्जुन, तू निरंतर मेरा ही चिंतन कर, भक्त बन। अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, अर्जुन तू मेरे ही द्वारा निर्धारित किए गए कर्म को कर, मत परमा अपितु मेरे परायण होकर कर, अनन्य भक्ति ही उसकी प्राप्ति का माध्यम है। इस पर अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक था कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमो व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण लेकर, आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं जिसमें आप भी स्थित हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योगवेत्ता कौन है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच। मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्त जन परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिंत्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं,
संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपर्युक्त विशेषण मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु थे, अव्यक्त परमात्मा उनमें व्यक्त था। वे कहते हैं कि महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूं, आगे इस अवस्था में जाऊंगा, मैं अपने ही अव्यक्त शरीर को प्राप्त होऊंगा, वो मेरा ही रूप होगा, मैं वही हूं, इस प्रकार सोचते प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने शरीर को ही सोहम कहने लगता है। यही इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। वो दुःखालियम अशाश्वतम में ही घूम फिर कर खड़ा हो जाता है, किंतु जो मेरी शरण लेकर चलता है वो ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझमें अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। केवल मुझमें चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार से उद्धार करने वाला होता हूं। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसलिए अर्जुन तुम मुझमें मन लगा, मुझमें ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन और बुद्धि भी न लगा सके तब, जैसा अर्जुन ने पीछे कहा भी था कि मन को रोकना तो मैं वायु की तरह दुष्कर समझता हूं, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर, अर्थात जहां भी चित्त जाए वहां से घसीट कर उसे आराधना चिंतन क्रिया में लगाने का नाम अभ्यास है। यदि ये भी न कर पाए तो अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर, अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा, अर्थात अभ्यास भी पार न लगे तो साधन पथ में लगे भर रहो। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मदियोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। यदि इसे भी करने में असमर्थ हो तो संपूर्ण कर्म के फल का त्याग कर, अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़कर, मद्योग के आश्रित होकर, अर्थात समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में जाओ। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेगा। समर्पण के साथ कर्म फल के त्याग का महत्व बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान माध्यम से कर्म को कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है। ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उनके योग क्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। इसलिए इस त्याग से वो तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ है। दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी स्वयं पर रहती है, जबकि समर्पित भक्ति की जिम्मेदारी महापुरुष पर होती है। इसलिए वो कर्म फल त्याग द्वारा शीघ्र ही शांति को प्राप्त होता है। अब शांति प्राप्त पुरुष के लक्षण बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और जो ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है, लाभ तथा हानि में संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर्
मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता, हर्ष संताप भय और समस्त विक्षोभों से मुक्त है, वो भक्त मुझे प्रिय है। साधकों के लिए ये श्लोक अत्यंत उपयोगी है। उन्हें इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे। इतना तो साधक कर सकता है, किंतु दूसरे लोग इस आचरण से नहीं चलेंगे। वे तो संसारी हैं ही, वे तो आग उगलेंगे, कुछ भी कहेंगे, किंतु पथिक को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा अर्थात उनके आघातों से भी उथल पुथल न हो, चिंतन में सुरत लगी रहे, क्रम न टूटे। उदाहरण के लिए, आप स्वयं सड़क पर नियमाकूल बाएं से चल रहे हैं, कोई मदिरा पीकर चला आ रहा है, उससे बचना भी आपकी जिम्मेदारी है। अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित सर्वथा पवित्र है, दक्षः अर्थात आराधना का विशेषज्ञ है, अर्थात ऐसा नहीं कि चोरी करता हो तो दक्ष है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना चिंतन, उसमें जो दक्ष है। जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं रहती। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, जहां कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है, भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वो पुरुष मुझे प्रिय है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में सम है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हैं, जो सर्दी गर्मी सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति रहित है, तथा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान मे प्रियो नरः। जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी है, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ वो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया।
जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्ममय अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। निष्कर्ष। गत अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, तेरे सिवाय न कोई पाया है न पा सकेगा जैसा तूने देखा, किंतु अनन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो भजता है वो इसी प्रकार मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझमें प्रवेश भी पा सकता है। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जाता है। अतः अर्जुन भक्त बन। अर्जुन ने इस अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान, अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हैं, उनके पथ में क्लेश विशेष है। जब तक देह का अध्यास अर्थात भान है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुखपूर्ण है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा, उसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। मैं हूं मुझे पाना है कहते कहते अपने शरीर की ही ओर घूम जाता है, उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को मुझमें अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर। जो मेरे परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझमें अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान द्वारा तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूं। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन, मुझमें मन को लगा, मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर, जहां भी चित्त जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध कर। यह भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर, कर्म एक ही है, यज्ञार्थ कर्म। तू कार्यम कर्म करता भर जा, दूसरा न कर, उतना ही कर, पार लगे चाहे न लगे। यदि यह भी करने में असमर्थ है तो स्थित प्रज्ञ आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्मस्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यथाओं से उपराम है, सर्वारंभों को त्याग कर जिसने पार पा लिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभों का पार पाने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थित प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्त की रहनी पर प्रकाश डाला, जो साधकों के लिए उपादेय है। अंत में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अनन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से भली प्रकार आचरण में ढालते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयतर है, क्योंकि उसके हान लाभ की जिम्मेदारी वह इष्ट सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं।
यहां श्री कृष्ण ने स्वरूपस्थ महापुरुष के लक्षण बताए, उनकी शरण में जाने को कहा और अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों के समकक्ष अपने को घोषित किया। श्री कृष्ण एक योगी महात्मा थे। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया, अतः इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्ति संगत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 12वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।